त्रिवेणी के, देखिए त्रिवेणी नेपाल में स्थित इस हवा हवाई ब्रिज पे घूम रहे हैं और ये मम्मी पापा मेरे हैं लोग। आज देखिए हम लोग नेपाल दौरे पे हैं, मदनपुर माई का दर्शन करने के बाद अभी हम लोग नेपाल में हैं और काफ़ी थक गए लोग हम लोग चलते चलते। और अभी हम लोग नेपाल का लोटपोट उठा रहे हैं, देखिए ओह यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। हाँ मेरे पापा देखिए इस पुल के बारे में बता रहे हैं। हाँ बोलिए पापा। मैंने पुल जो लोग मैंने थक जाई उमरी उमरी लागे लागे तो ये पुल पर आराम करने के लिए। अच्छा इसको देखिए पापा बता रहे हैं कि इसको आराम करने के लिए बताया गया। पापा भी मेरे सिविल इंजीनियर हैं और ये जितना प्रोजेक्ट है ये सब सिविल इंजीनियर के अंडर में ही होता है काम, इसलिए पापा बता रहे हैं। और पापा कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। मम्मी तारा कैसा लगा था? ठीक है। देखिए ये मेरी मम्मी है। आइए हम लोग और आगे चलते हैं, फिर घूमते हैं थोड़ा सा और मस्ती करते हैं। अब हम लोग आएंगे पूरी तरीके से पानी में। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, नेपाल के ही लोग लग रहे हैं शायद मेरे ख्याल से। अच्छा आप लोग नेपाल के ही हैं? देखिए ये लोग नेपाल के हैं। और देखिए अरे नहीं कुछ होगा, नहीं गिरेगा, पकड़े हुए हैं। देखिए माँ मेरी बोल रही है मोबाइल हाथ में रख लो वरना फ्रिज से गिरेगा फिर पानी में। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है ये पूरी तरीके से। आइए त्रिवेणी घूमिए, भगवान शिव का तपोभूमि है और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए हमारे पीछे आपको दिखेगा वो त्रिवेणी घाट है वहाँ पे जो सामने दिख रहा है। और आइए कभी आप भी लोटपोट उठाइए, बहुत अच्छा जगह है और काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे। बाबा और ये दरियाओं के बीच में आ गया, कैसा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा लग रहा है। चलिए चलो मम्मी तुम आगे चलो, हम पापा बात करते हुए चलेंगे। और पापा और कुछ कुछ बताइए इस पुल के बारे में जो आप चढ़े हुए हैं। पुल के बारे में तो ठीक है, पुल तो मतलब कि अच्छा वैज्ञानिक अच्छा बना हुआ है। अच्छा ये सब अच्छा, ये सब बिहार में भी अच्छे अच्छे जगह पे होना चाहिए ना? हाँ होना चाहिए, ऐसा सिल्फिन लेने के लिए पुल ऐसा होना चाहिए कि कहीं से दूर दराज से लोग। अच्छा आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको कैसा लगता है मतलब अगर यहाँ पे पुल बनाना पड़े, मैंने इससे कोई खतरा उतरा है कभी किसी को? नहीं खतरा तो नहीं है। हाँ इससे खतरा नहीं। क्यों खतरा नहीं है? ऐसे कि इसका बंधन जो हुआ है वो तगड़ा हुआ है। तगड़ा है मतलब काफी मजबूती दिया है ना? देखिए हम आपको ऊपर दिखाते हैं, ये देख रहे हैं ना कितनी मोटे मोटे रोड और जो उसका वायर होता है लोहे का वायर और उसमें जो है इसको फंसाया गया, काफी मजबूती है ना पापा? हाँ मजबूती है ना। हालांकि ज्यादा चौड़ा नहीं है ये पुल, मतलब दो आदमी आराम से जा सकता है, अगर कोई मोटा हो तो फिर एक अकेले जाएगा इसपे। नहीं नहीं 4 फुट चौड़ा है, 4 फुट से कम ही है ना? 4 फुट हो जाएगा। देखिए 4 फुट चौड़ा पुल है, काफी अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं आज, सोचे हम लोग आज बात उत करके आप तक एक वीडियो पहुँचाते हैं कि आप भी त्रिवेणी आइए घूमिए मजे कीजिए यहाँ पे। फिलहाल हमारे ब्लॉग में इतना ही, आज मम्मी पापा के साथ वाल्मीकि नगर और प्लस नेपाल में स्थित त्रिवेणी जो भगवान शिव का तपोभूमि है वहाँ पे हम आए मम्मी पापा को लेके। हमने सोचा चलो आज दर्शन करते हैं, साथ में मदनपुर माई स्थान का भी हम लोगों ने दर्शन किया जो वाल्मीकि नगर जंगल में ही पड़ता है। चलिए फिर मिलेंगे आप लोग।